गाइस अभी अभी नेटफ्लिक्स पे मैंने एक मूवी देखी है अनुपम खेर की, जिसका नाम है विजय 69। अब देखो उसका ट्रेलर आया था तो उतना ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे को नहीं हुआ था, लेकिन भाई मूवी जब मैंने देखा ना यार, तो मूवी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी काफी ज्यादा जरूरी है और जो आपको जाननी भी चाहिए। भाई देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई ये मूवी का जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 50 मिनट के आसपास है और आपको मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। हाँ स्टार्टिंग में जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि भाई ये यार चिंकी पांडे की जो ओवर एक्टिंग वगैरह चल रही है, अनुपम खेर भी ओवर एक्टिंग कर, लेकिन धीरे 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 मूवी कनेक्ट होती गई होती गई होती गई। अब देखो कहानी के बारे में बात करें तो भाई विजय नाम का एक बंदा है जिसकी एज है 69, प्लेड बाय अनुपम खेर। अब उनकी लाइफ में बहुत सारे उनके एज के दोस्त ग्रुप, मतलब ग्रुप लोग हैं जितने भी दोस्त हैं। अब उनकी सोसाइटी में पता है क्या, उनके जितने भी दोस्त हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया या कोई भी ऐसा अचीवमेंट नहीं किया जिसके वजह से भाई उनको प्राउड फील हो या कहीं पर स्टेज पर उनके नाम लिया जाए कि भाई ये बंदा ने ये किया था वो किया था। अब यहाँ पर जो अनुपम खेर रहते हैं यानी जो विजय रहते हैं, वो ठानते हैं कि भाई मरने से पहले मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा एक चीज करना चाहता हूँ जो कि भाई मेरे मरने के बाद भी लोग मेरे को याद करें कि भाई ये बुढ़ा था मर गया, ये मरने से पहले ये करके गया। क्योंकि वो जो अनुपम खेर यानी जो विजय है वो काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करते हैं जबकि कोई उनकी लड़की के सामने, उनकी एक लड़की भी रहती है और उनकी वाइफ का जो है ना वो डेट हो जाता है बहुत पहले, तो उनकी लड़की की शादी हो जाती है तो बहुत सारे लोग जब पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते, तो वो बोलती है कि एक स्विमर थे, नॉर्मल क्लब के स्विमर थे, प्रोफेशनली से वो स्विमर थे, उनको स्विमिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मरते मरते एक ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे भाई पूरा का पूरा दुनिया उनको याद करे, एटलीस्ट हिंदुस्तान में याद करे कि भाई विजय नाम का कोई बंदा था जो ऐसा ऐसा था। उसके बाद से वो डिसाइड करते हैं कि भाई वो त्रिथलोन का, आई थिंक त्रिथलोन होता है, त्रिथलोन का पार्ट बनेंगे और एक ऐसा अचीवमेंट देंगे कि 69 एज में पहली बार किसी ने, पहली बार मतलब इससे ऊपर मतलब नीचे एज के लोगों ने बहुत सारे किया था, लेकिन 69 एज में भाई ये करके रिकॉर्ड करना चाहते, जहां पर आपको मतलब स्विमिंग करना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर, उसके साइकिलिंग करनी पड़ेगी 40 किलोमीटर, फिर रनिंग भी करनी पड़ेगी। तो वो डिसाइड करते हैं अब उसके बाद इनकी जर्नी किस तरीके से जाती है, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं नहीं करते, वो सारा कुछ आप मूवी के अंदर देखते हैं। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी, क्या मैं आपको बताऊँ, देखो इमोशनली जो एंगल खेला गया ना भाई साहब, वो जो इमोशनल है, बाप बेटी का प्यार होता है, दोस्त दोस्त का इमोशन होता है ना, वो काफी ज्यादा वर्क करता है। और क्लाइमेक्स के अंदर भाई आपको काफी ज्यादा एकदम इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे आप कि भाई ये बंदा जो चाहता था ना वो एटलीस्ट इसने करके तो दिखा दिया। सच बता रहा हूँ, मतलब इस मूवी से आप ये भी सीख सकते हो कि भाई एज मैटर नहीं करता है, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में तो कितना भी एज आपका हो गया, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो भाई आप कर सकते हो। उसके बाद से इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, बीच बीच में बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स है और कॉमेडीज है जो आपको भाई इंटरटेन करते रहेंगे। सच बता रहा हूँ ये मूवी वन टाइम वॉच के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और अपनी तरफ से भाई ये भी चीज है ना कि जो लड़की या जो पेरेंट्स होते हैं ना भाई, उनके जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से केयर करते हैं अपने माँ बाप को कि भाई उनका एज हो गया वो घर पे रहता है कि उनको कोई तकलीफ ना हो, तो वो अपने एंगल से ठीक है। और यहाँ पर जो माता पिता है वो अपने एंगल से ठीक है कि उनको भाई मरते मरते भाई घर में बुढ़े जैसा बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है, तो वो चीज इस मूवी के अंदर दिखाया गया भाई। तो ये मूवी मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, आप भी चाहो तो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो चलो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।